नमस्कार दोस्तों, आज 30 अप्रैल है। ऐसे में लोगों के मन में आज यह सवाल जरूर है कि क्या आज दिन के 12:15 से सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इस सवाल को लेकर परेशान हैं और बहुत सारी जगहों पर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों की यह दुविधा दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप हमारे वीडियो पर ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी, वह भी 100% सही। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 30 अप्रैल को पड़ रहा है, यह शनिचरी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। ऐसे में यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर हम इस ग्रहण के नियमों का पालन करें या नहीं, क्या यह ग्रहण भारत में लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में प्रूफ के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम लोग दैनिक जागरण के पेज पर है और यहाँ पे ग्रहण से जुड़ी हुई आर्टिकल के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 30 अप्रैल दिन शनिवार को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण 4 घंटे तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 2022 रात 12:15 से शुरू होकर सुबह 4:07 तक जारी रहेगा। अर्थात केवल 4 घंटे का यह ग्रहण रात में ही लग चुका है, जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में जो ग्रहण रात में लगा है, यह ग्रहण जो है भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। यह भारत में इसकी दृश्यता शून्य है, इसलिए आप लोगों को इसके नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। हालांकि क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है, तो ऐसे में आप लोग ग्रहण के दौरान जो है कोई भी शुभ निर्णय ना ले, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी विवाह, नामकरण या फिर कोई नए बिजनेस का स्टार्टअप या फिर जो है कोई वाहन की खरीदारी, ऐसे काम आप ना करें। लेकिन नियमों का पालन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।